हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज रागी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 35 और उससे आगे के। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई बच्चे ने नहीं देखे हैं, नया है तो प्लीज देख लो। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में तुम्हें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अगर साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है और कोस ए माइनस बी ये होता है, बताओ वैल्यू पता करो साइन 15 और कोस 15। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे को गिवन है साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ए माइनस बी करने पे 15 आना चाहिए, तो या तो दो ऑप्शन है मेरे पास, 60 माइनस 45 करो तब 15 आता है। अब तुम कहोगे 60 क्यों लिया, 45 भी क्यों लिया? मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा कर 45 माइनस 30 ले ले, तभी तेरे पास क्या आएगा 15। ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं? मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स की टेबल है, उसमें 60 और 45 भी है और 45 और 30, इन दोनों का डिफरेंस ही 15 आ रहा है, बाकी कोई किसी का डिफरेंस क्या नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीका है कि ऐसे पूछ ले, बाकी भी पूछ सकता है, जैसे बाकी क्या पूछेगा 45, हाँ और तो कुछ नहीं पूछ सकता ना। अब या तो मैं इसकी हेल्प लूँ, इसकी हेल्प लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए कितना है 60 है और बी कितना है 45 है, या फिर मैं इसकी हेल्प लूँ, अब इसकी हेल्प लूंगा तो ए कितना है 45 है और बी कितना है 30। अब मेरा मन करे उससे कर लो, चलो मैं इससे कर देता हूँ, तुम घर पे ट्राई इससे कर लेना, ठीक है। हाँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 45 इज साइन 60 कोस 45 माइनस cos 60 sin 45। वैल्यू पुट करता हूँ, ये तो हो गया मेरा sin 15 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 कितना होता है √3/2 इनटू cos 45 1/√2 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 इनटू sin 45 कितना होता है 1/√2। सो लिख गया तो ये आया √3/√2 माइनस 1/√2। एलसीएम क्या आएगा 2√2, ऊपर क्या बचा √3 माइनस, ये इसका आंसर हो गया यही। अब सिमिलरली तुमसे कोस का भी पूछ रहा है, तो मैं दूसरे पे लिख लेता हूँ कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने ए की वैल्यू क्या लिया 60 और बी की वैल्यू 45, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 60 माइनस 45 इज cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। वैल्यू पुट करो, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 इंटू 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2 सेम ही वैल्यू लगभग, तो दिस इज 1/2√2 प्लस √3/2√2, ये किससे इक्वल चल रहा है cos 15 cos 15। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2√2 तो आया क्या 1+√3, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ पीछे लिखा हुआ है √3+1 एक ही बात है √2। इतना इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट वो ये ना एक एक लाइन पता हो, ये अगर ये वाली लाइन समझ में आती है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत है। लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 34 में भी ऐसा ही कुछ था, एक लाइन समझ में आनी चाहिए फिर क्वेश्चन हो जाता था। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एंगल बी अगर 60 है और एबी 15 यूनिट्स है तो रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड बता करो। अब इसमें भी एक ही लाइन है, देखो ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, तो ये सी है तो ऑब्वियसली यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, ये बी 60 डिग्री है और ए बी 15 है, तो मुझे ए सी पता करना है और बी सी पता करना है और एंगल ए बी पता करना है। तो देखो एंगल सी 90 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल इज 90। हाँ एंगल ए प्लस 60
इक्वल्स टू 90, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, एंगल ए आ गया हमारे को, एंगल ए 30 आ रहा है, यस। अब बात करते हैं इनकी, ये 30। अब मैं एक बात करूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में फॉर एग्जाम्पल मैं बी एंगल को लेकर चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तुम घर पे 30 डिग्री से खड़े ना और कमेंट करके बता के जाना, अभी कर लो रोकर वीडियो और कमेंट करके बताना मुझे। नाउ मैं से लिख सकता हूँ कि भी देखो मुझे अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 15 पता है, तो मैं परपेंडिकुलर की हेल्प से पहले पता कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर तो साइन बी लिख लेता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, या ए बी बोल, ए सी बोल सकते हो ना, ए सी पता नहीं, अपॉन ए बी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू, ए सी पता है क्या, नहीं पता, बट ए बी पता है 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इक्वल्स टू 15 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 15/2 अंडर रूट 3 यूनिट्स, ये ए सी तो आ गया। अब हमें बी सी पता करना है, तो बेस क्या होता है, कोस होता है, तो कोस बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूँ कोस 60 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, और कोस 60 कितना होता है 1/2, बी सी पता है ना, ए बी पता है हाँ। अब कोई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मत लगाने लगा ना, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन में इस मिस्टेक होने के चांस बन जाएंगे, तो मुझे बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो क्या लिखूंगा 15/2 यूनिट्स, तो इसके लिए कौन सी कलाकारी करके लानी है, हाँ पीछे 7.5 भी दे रहा है, ये लिख सकते हो यार डेसिमल में, तो कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना इजी था, कोई बड़ी बात तो है नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 37। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है, सच दैट एंगल सी ये रहा और एंगल ए ये रहा, बी सी ये रहा, सेम क्वेश्चन है लगभग सर। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल ए इधर लिख लेता हूँ मैं 45 है, और ये बी है। तो देखो सबसे पहले एंगल बी पता करने के लिए क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90, एंगल ए 45 है, तो बी भी कितना आएगा 45 ही आएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो बी तो पता चल गया। अब दूसरी बात, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7, तो अगर मैं 45 की बात करूँ तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो साइन 45 कितना होता है भाई साहब, 1/√2, बी सी पता है 7 और ए बी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए बी इंटू 1 इक्वल्स टू 7/√2 आ जाएगा, तो 7/√2 यूनिट क्या है, ए बी की वैल्यू। मुझे ए सी भी पता करना है, तो पर बेस की हेल्प ले, तो बेस क्या होता है कोस, तो कोस ए इक्वल्स टू, तो ये बेस ही तो है ए एंगल के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस 45 इक्वल्स टू बेस पता नहीं हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी पता गया ना अभी तुमने, अरे ए बी तो पता कर लिया, यस, तो कोस 45 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या होती है 1/√2, बेस कितना है पता ही नहीं, ए सी और ए बी पता है हाँ हाँ 7/√2, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिख देता हूँ मैं 7/√2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कट गया, क्या आ गया 7 यूनिट, आंसर आ गया 7 यूनिट, ए सी भी आ गया ए बी भी आ गया, कितना ईजी हो सर। नेक्स्ट देख लो 38, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ये रेक्टेंगल घबराना का है, ये रहा हमारा रेक्टेंगल जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, यहां से लिख लेता हूँ ए, या नीचे से लिख लेता, चलो नीचे से लिख लेता हूँ ए बी सी डी, ए बी की वैल्यू 20 है, तो तुम बोलोगे ये रेक्टेंगल है तो सामने वाली भी 20, वाह। एंगल बी ए सी, ए सी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये एंगल बी ए सी बना है,
इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। कैलकुलेट साइड बी सी, डायगोनल ए सी एंड बी डी। अब देखो सबसे पहली बात, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। सेकेंड बात, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी याद हुई ना। चलो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी कुछ ऐसा है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये मुझे पता है 20 है। तो पहले मैं हाइपोटेन्यूस पता कर लूँ, ए सी, ए सी पता करते ही क्या पता चल जाएगी बी टी, और फिर मैं बी सी पता कर लूँगा परपेंडिकुलर की हेल्प से। तो साइन थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, और साइन ए कितना है, साइन 60, ए बी पता है क्या, हाँ 20 अपॉन ए सी, और साइन 60 अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट 3 ए सी इक्वल्स टू 20 इंटू 2, तो ए सी क्या जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 3 यूनिट, 40 अपॉन अंडर रूट 3, नहीं क्या गलती कर दिया, साइन ए दे रखा है तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओहो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, क्या कर दिया आंसर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो अच्छा यहाँ कोस लिख देता हूँ ना, ये तो लफड़ा गया है, कोई नहीं हो जाता है, कभी कभी देखो, अब इतना बुरा मत मानना कि सर ये क्या कर दिया आपने, अपन ने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखना था, मैंने लिख दिया कोस, होता क्या है साइन होता है, अरे यार साइन लिख दिया कोस होता है, तो मैं लिख देता हूँ कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ए बी है और कोस थीटा की जगह क्या लिख दो, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी की वैल्यू क्या जाएगी 40 सेंटीमीटर, में बातें चल रही है तो सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या पता करना है, बी सी परपेंडिकुलर पता करना है, तो तुम लिख दो भाई साहब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूस ए सी, और ए सी तुमने अभी पता किया है, साइन 60 अंडर रूट 3/2, बी सी कितना है बाबा, बी सी नहीं पता, ए सी कितना है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी सी वहीं रखो 40 इधर भेज दो, तो 40 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा 40, दैट इज 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, बी सी भी आ गया और ए सी भी आ गया, तुम्हें बस बी डी पता करना है, तो तुम लिखोगे सिंस ए सी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू आल्सो 40 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, लास्ट तो नहीं है सेकंड लास्ट 39, ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट टेन ए इज हाफ एंड टेन बी इज 1/3, तो बताओ ये क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा बड़ा है ना, टेन ए प्लस बी पता करना है, टेन ए कितना है हाफ, टेन बी कितना है 1/3 डिवाइड बाई 1-1/2 इंटू 1/3, ऊपर एलसीएम लोगे क्या आएगा 6 3 टाइम प्लस 2 टाइम डिवाइड बाई 1-1/3 ऊपर बन गया 5/6 और नीचे एलसीएम ले लो 6-1/6, तो 5/6 डिवाइड बाई 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/6 इंटू सॉरी सोल्व करो ना क्या आ गया आंसर 1, ये क्या आ गया बन आ गया ना, हाँ इसका मतलब टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई। अब तुम्हें पूछ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू, टेन ए प्लस बी नहीं पूछ रहा, ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी के लिए क्या करोगे, हाँ समझ गए मेरे लाल, इसको टेन की फॉर्म में लिखोगे, तो टेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री बाय 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, यही तुमसे पूछ रहा था, लास्ट बचा हुआ है क्या 40, ट्रू दैट दिस 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 इक्वल्स टू दिस, हमने कहा बहुत जल्दी कर लेंगे,
सबसे पहले एलएचएस लेके आता है अंडर रूट 3 प्लस 1। ये तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा, यहाँ नहीं देना चाहिए इसको अंडर रूट 3। अरे यार क्या हो रहा है, 3 लिखना है सर, 3 हाँ प्लस 1, 3 माइनस कोट 30 डिग्री। कोट 30 कोई वैल्यू बताएगा मुझे, जल्दी बताओ मैं वेट कर रहा हूँ। यस अंडर रूट 3/2। अब या तो तुम इसको सोल्व करो, सोल्व करने मतलब ऐसे ले लो इधर, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई फिर 1 इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 3√3 माइनस अंडर रूट 3 × √3/2 प्लस 3 − √3/2। तो ये तो बन गया 3√3 − 3/2 प्लस 3 − √3/2। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, 3√3 − √3/2 और माइनस या प्लस 3 पहले लिख लेता हूँ, −3/2 बाद में लिख लेता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो बता 6√3 − √3 और इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6 − 3। तो बता 5√3/2 प्लस 3/2, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 5√3 + 3/2। ये क्या आ गया यार, इतना बुरा या इतना अजीब सा। उधर वाला पार्ट सोल्व करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि सही आया कि गलत है ना। 5√3/2 नहीं यार, कोस 30 इतना होता। अरे यार कोट 30 था, मैंने कोस 30 समझ लिया, गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई। चलो तो हटा दो यार, सॉरी। तभी मैं सोचूं इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ आता ही नहीं है ना। मुझे कोई बताएगा कोट 30 कैसे याद करोगे? यस 10√60 से याद कर लिया तुम लोगों ने, 10√60 कोस 30 होता है, 10√60 10√30 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? अरे बताओ जल्दी से। हाँ 10√30 छोटा होता है, 10√60 बड़ा होता है, तो बड़े की वैल्यू √3। ठीक है तो कोट 30 की वैल्यू भी क्या आएगी, √3। हाँ अभी इरेज हो गया ना, तो मैं इसको लिखता हूँ √3 + 1 − 3 − √3, कोट 30 √3 होता है। तो ना अभी ये कोई रूल तो लग नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर लो, 3√3 − √3 × √3 + 3 − √3। तो बन गया 3√3 − 3 + 3 − √3, ये कट गए, तो बचा क्या 3√3 − √3 और दैट इज 2√3। एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। नाउ आरएचएस सॉल्व करते हैं, 10√60 − 2 sin 60 क्यूब, तो छोड़ो 10√60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 का क्यूब −2 × sin 60 √3/2 होता है। √3 का क्यूब क्या मैं 3√3 लिख सकता हूँ? मैंने बहुत बार बताया √3 का क्यूब का मीनिंग होता है √3 × √3 × √3, तो बन गया 3√3। ठीक है √3 × √3 √3 माइनस 2 से 2 कैंसिल √3, तो भी क्या आ गया 2√3। इतना छोटा था अपने इसको कितना बड़ा बना लिया एक गलती की वजह से। क्या तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आए? ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती हुई बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.3 2 तक हो गए, ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।